सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुणे से लेकर नासिक के बीच में बनने वाले हमारे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर से देखेगा ताकि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है ये मिल जाए। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप लोगों को रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स में इंटरेस्ट है और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाए। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुणे से लेकर नासिक के बीच में बन रहे हमारे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको कि हम लोग महारेल के भी नाम से जानते हैं, एग्जीक्यूट कर रही है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो है 16,039 करोड़ की। इसकी जो लेंथ रहने वाली है वो रहने वाली है 231.716 किलोमीटर की और यहाँ पर 180 km/h की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। इसी के साथ में दोस्तों, पुणे से लेकर नासिक के बीच का जो ट्रैवल टाइम है वो सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट का हो जाएगा और यहाँ का जो अप्रॉक्सीमेट फेयर बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 950 रुपये का। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट होने के बाद में यहाँ पर रोज़ाना 87,000 पैसेंजर्स जो है ये ट्रैवल कर पाएंगे। इसी के साथ में इस पूरे कॉरिडोर में टोटल 24 स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जो कि हैं पुणे, हपसर, मांजरी, कोलावदी, वाघोली, आलंदी, चाकन, राजगुरुनगर, बोरवादी, मंचर, नारायण गांव, अल्फाटा, बोटा, जमवट, शकूर, अम्बोर, संगम नीर, देवथान, छास, दोदी, सिन्नर, मोदरी, शिंदे और नासिक। दोस्तों, बात करें अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के बारे में, तो इस प्रोजेक्ट का 20% फंडिंग जो है ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है, जो कि इक्विवेलेंट है 3,208 करोड़ से। 20% पैसा यहाँ पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देगी, जो कि इक्विवेलेंट है 3,208 करोड़ से। बाकी का बचा हुआ 60% पैसा जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज के थ्रू जुटाया जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट है 9,623 करोड़ से। दोस्तों, 10 फरवरी 2020 को इस प्रोजेक्ट की जो DPR है इसको सेंट्रल रेलवे के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 1,300 हेक्टेयर का जो लैंड है ये एक्वायर करना है। हालांकि दोस्तों, इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो लैंड एक्विजिशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने देखा है, हमारा जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है ये अभी तक लैंड एक्विजिशन की वजह से अटका हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये टाइम पर अपना लैंड एक्विजिशन जो है ये कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में डबल इलेक्ट्रिक लाइन जो है ये साथ में कंस्ट्रक्ट करी जाएंगी और इस पूरे प्रोजेक्ट में 20 टनल्स का कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। दोस्तों, ये जो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये महाराष्ट्र की 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट यानी कि पुणे, अहमदनगर और नासिक को काफ़ी अच्छे तरीके से लिंक कर देगा और यहाँ पर जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है ये प्रोवाइड करी जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों, ये इंडिया का पहला लो कॉस्ट सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट भी रहने वाला है, जो कि पुणे और नासिक को सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जो कि इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। इसी के साथ में दोस्तों, यहाँ पर फ्रेट ट्रेन्स का मूवमेंट जो है ये भी किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं इनके साथ में फ्रेट ट्रेन्स का मूवमेंट भी किया जाएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में फ्रेट ट्रेन्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाली है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इसी के साथ में दोस्तों, खेद, मंचर और नारायण गांव जैसे इंपॉर्टेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं इनकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी इस कॉरिडोर के आने के बाद में और हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसके लिए काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो कार्गो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंटली मूव कर पाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, पुणे से जो कार्गो आता है उसको अभी अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस कॉरिडोर के बनने के बाद में अलग अलग पार्ट्स तक पुणे से जो कार्गो है ये आसानी से पहुँच पाएगा। और इसी के साथ में हमारी जो महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने एक चीज़ और कन्फर्म करी है कि शुरुआत में यहाँ पर टोटल 6 नए रैक्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। पर रैक में टोटल 6 कोचेज रहेंगे और हर एक रैक में टोटल 450 पैसेंजर्स जो हैं ये ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, ये 6 रैक्स जो हैं ये पुणे से लेकर नासिक के बीच में एक दिन में टोटल 48 ट्रिप्स जो हैं ये लगाने वाले हैं इनिशियल फेज़ में, ऐसा बताया गया है। इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम लोग करेंटली बात करें तो पुणे से लेकर नासिक के बीच का जो ट्रैवल टाइम है ये 6 से लेकर 8 घंटे के बीच में है और इस कॉरिडोर के आने के बाद में ये जो ट्रैवल टाइम है ये घटकर 1 घंटा 40 मिनट का रह जाएगा। दोस्तों, लास्टली अगर हम लोग बात करें इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बारे में, तो इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है ये 2024 की रखी गई है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि 2024 तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। आप लोगों का इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचना है और आप लोगों को क्या लगता है कि 2024 तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा या फिर नहीं होगा, आप लोग अपने व्यूज़ को ज़रूर से शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप लोग रेलवे से रिलेटेड ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को काफी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग
वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।